21 नवंबर से जी टीवी पर एक नया शो ऑन एयर हुआ है जिसका नाम है एक कुड़ी पंजाब दी। इस शो में तनिषा मेहता हीर नाम के किरदार में नजर आ रहे हैं, तो वही अविनाश रेखी रंजीत नाम के कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वेल आपको जानकर हैरानी होगी, तनिषा मेहता जो इस शो में हीर नाम के किरदार में नजर आ रही है, उस किरदार के लिए वो नहीं थी मेकर्स की पहले पसंद, बल्कि उससे पहले मेकर्स ने और भी कई एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया था हीर नाम के किरदार के लिए। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन एक्ट्रेसेस के ऊपर जिसे सबसे पहले मेकर्स ने अप्रोच किया था हीर नाम के लीड किरदार के लिए। सबसे पहला नाम है हैली शाह। जी हाँ, टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस हैली शाह इस लिस्ट में शामिल हैं जिसे मेकर्स ने अप्रोच किया था हीर गरेवाल के किरदार के लिए। हालांकि हैली शाह को शो की स्टोरी कुछ खास नहीं लगी, जिसके चलते उन्होंने इस शो को करने से मना कर दिया। दूसरा नाम है कावेरी प्रियम। रिसेंटली दिल दिया गल्ला शो में कावेरी प्रियम अमृता नाम के लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे, जो कि एक पंजाबी फैमिली बैकग्राउंड की कहानी को दर्शाया गया था। ऐसे में जी टीवी की ये जो नई शो है, ये शो भी पंजाबी फैमिली कहानी के ऊपर फोकस किया गया है, इसलिए कावेरी प्रियम ने इस शो को करने से मना कर दिया। हालांकि एज एन एक्टर वो अलग अलग रिलीजियस कैरेक्टर को एक्सप्लोर जरूर करना चाहती है। तीसरा नाम है स्नेहा जैन। साथ निभाना साथिया टू फेम एक्ट्रेस स्नेहा जैन ने भी एक कुड़ी पंजाब दी सीरियल में लीड रोल निभाने के लिए लुक टेस्ट दिया था, मगर शो के हिसाब से स्नेहा जैन की लुक बिल्कुल भी फिट नहीं हुई, जिसके चलते वो शो के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाई। चौथा नाम है रेहा शर्मा। वेल अगर आपने इस शो के रिलेटेड आर्टिकल पढ़ी है तो बेशक आपको पता होगा, सबसे पहले मेकर्स ने रेहा शर्मा को ही ऑफर किया था हीर के किरदार के लिए और वो इस शो के लिए फाइनल भी हो गई थी। हालांकि अपनी कुछ पर्सनल रीजन के चलते उन्होंने इस शो से किनारा कर लिया। वेल मेकर्स ने रागिनी खन्ना को भी ऑफर किया था इस शो में लीड रोल निभाने के लिए, मगर रागिनी खन्ना फिलहाल टेलीविजन में वापसी नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने इस शो को रिजेक्ट कर दिया। तो ये है वो नाम जिसे सबसे पहले मेकर्स ने अप्रोच किया था एक कुड़ी पंजाब दी सीरियल में हीर नाम के लीड रोल निभाने के लिए। वेल आपको क्या लगता है, तनिषा मेहता क्या हीर की रोल के लिए परफेक्ट है या उनकी जगह इनमें से किसी और एक्ट्रेस को होना चाहिए था? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही।